हमेशा यहाँ पे 5 पंडाल लगते थे, इस बार सिर्फ हमारे बड़े भाइयों के आशीर्वाद से हम सौभाग्यशाली हैं, हमें ये स्थान मिला और यहाँ पे हम आज आत्मविश्वास मना रहे हैं। बाकी यहाँ के जो आरएसएस के जो पार्षदों ने जो स्टॉल थे वो हटाए गए, हमारी सेवा गणेश जी को मंजूर है, इसके लिए इस बार भी सेवा का मौका बनाया गणेश जी ने दिया। गणपति बप्पा मोरिया। ए राजेश, वॉशरूम तो वही बाहर वाला ही है ना, यहाँ तो अंदर अंदर है मेरे ख्याल से। अरे वाह वाह वाह, नहीं तो वही अपना नाले वाला बाहर। इधर से कि बाहर से विक्की लेके जाए। अच्छा, ये पानी ले, पानी रुका वाला है, मेट्रो पार करो, मैं वहां से निकल जाता हूँ। बेटा जाने दे, जाने दो। हाँ विक्की बेटा, पिछले लगभग 40 साल से तिवारी परिवार सामाजिक काम, जनता की सेवा में, गणेश भक्तों की सेवा में बड़ी मात्रा में ये वड़ा पाव वितरण का कार्यक्रम बिना कोई डिस्ट्रप्शन के किया, इवन कोविड के टाइम पे भी किया। तिवारी परिवार ने इस कार्यक्रम के द्वारा एक इतिहास की रचना की। तिवारी परिवार के इस सामाजिक सेवा के लिए तिवारी परिवार और उससे संबंधित जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबको मैं दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभु श्री गणेश जी भगवान जी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि तिवारी परिवार और उनके पूरे समस्त कार्यकर्ताओं को शक्ति दें, संपन्नता दें और गणेश भक्त और समाज की सेवा में ऐसे निरंतर लगे रहें, ये मेरी शुभकामना है। तिवारी परिवार की तरफ से भक्तजनों के लिए वड़ा पाव यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है और सारे भक्तजनों का सेवा में सारा तिवारी परिवार लगा हुआ है यहाँ पे, और ये पिछले 40 सालों से ये कार्यक्रम हो रहा है और बहुत सफलतापूर्वक कार्यक्रम हो रहा है, जिसके लिए तिवारी परिवार सभी भक्तजनों का आभारी है कि भक्तजन यहाँ पे आते हैं और वड़ा पाव लेते हैं। अभी हमारे बड़े भाई से कुछ बोलेंगे उसके लिए। अब तिवारी परिवार सबसे पहले मुंबई पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देता है और तिवारी परिवार लास्ट 40 सालों से सभी भक्तगणों को 1.25 लाख वड़ा पाव का वितरण कर रहा है और प्लस गणपति वालों को भी दे रहे हैं और जो यहाँ वॉकिंग कर रहे हैं उनको भी तिवारी परिवार वड़ा पाव देते जा रहा है और आप सभी का धन्यवाद। वापस कुछ गड़बड़ तिवारी परिवार और पाल परिवार, इसमें राम कुमार पाल जी, तिवारी जी, सारे उनके मित्रगण, हमारे तिवारी जी, हमारे राजेश पाल जी, सारे लोग मिल के सेवा में लगे हुए भाई। ये जो 50 साल से तिवारी परिवार और हम भाई ने ये जो समाज के लिए इतना बढ़िया कार्य करते हैं, ये इसकी तुलना तो हम किसी भी रूप में इतना माने समाज के लिए करते हैं सब। करीबन कभी ना मेरे ख्याल से 1.5 से 2 लाख वड़ा पाव हर साल ये विसर्जन के दिन ये पूरा परिवार वितरित करते हैं सभी पब्लिक को, वड़ा पाव के साथ में पानी भी देते हैं और काफ़ी प्रेम पूर्वक आप देखेंगे पूरा परिवार इनका लगा हुआ है, कोई बाहरी आदमी नहीं है, सब परिवार रिश्तेदार नातेदार सभी लगे हुए हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए परिवार तिवारी परिवार, बद्री विशाल तिवारी और रामपाल परिवार को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं और ईश्वर ईश्वर उनको स्वस्थ रखें और इसी ढंग से वे आगे भी 50 साल हो गए, 100 साल तक ये हो, सेंचुरी करें, यही मेरी शुभकामना है। नहीं नहीं मैं पता हूँ भैया, मैं डाले जी क्या कहना चाहेंगे, आज जिस तरह से कई सालों से आप ये आयोजन करते आ रहे हैं गणेश भक्तों के लिए और आज क्या कहना चाहेंगे? 38 सालों से राम भाई थे और तिवारी परिवार की वजह से 38 सालों से चल रहा है ये प्रोग्राम, बस आप लोग के आशीर्वाद से ये चलता रहे और आगे भी चलता रहे, बस यही शुभकामना जानना चाहता हूँ। कैसी तैयारी होती है कि पापा के विसर्जन होगा और उस समय पे भक्तों के लिए आपकी पूरी तैयारी कितने दिनों से चलती है? इसमें राम भाई का बहुत
सहयोग रहता है और मंडप है, प्रसाद है, जो भी उनकी वजह से रहता है, हम लोग तो कार्यकर्ता रहते हैं इसलिए हमारा काम हो जाता है बेटा। तो कितना अच्छा लगता है जब भक्तों के लिए आप इस तरह से खाने की व्यवस्था करते हैं? देखने के लिए नहीं, हम पर खाने का तो नहीं है, ये प्रसादी समझ लीजिए है किसी तरह से, बस ये अनंत चतुर्थी के दिन हो जाता है। हम लोग यही चाहते हैं कि हर साल होता रहे हम लोग तिवारी परिवार की तरफ से, बस थैंक यू। हम लोग हर साल आते हैं हम लोग यहाँ पे, और तिवारी परिवार की तरफ से वड़ा पाव दिया जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है हम लोगों को। और मैं तो हर साल आती हूँ, इतना आनंद आता है कि क्या मैं आपको बताऊँ। और इसी तरह भगवान बप्पा सबको आशीर्वाद दें, सब खुश रहें, और हर साल हम सब ऐसे गणपति का त्यौहार मनाते रहे। एक कॉज के लिए तिवारी परिवार का बहुत दिल से धन्यवाद, आगे भी ऐसे करते रहें और हम लोग को भी मौका दें इसमें सहभागी होने का, थैंक यू। कितने सालों में चल रहा है? 38 ईयर्स से हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि और भी आने वाले सालों तक सेवा करते रहें मंडल रामपाल सर और तिवारी परिवार के। जी जी, उन ऐसी सोच बहुत ज़रूरी है आज की डेट में कि लोगों को फ्री में वड़ा पाव दें, सेवा करें, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए। तिवारी परिवार और रामपाल सर द्वारा आज वड़ा पाव वितरण कार्यक्रम किया, गणेश विसर्जन के दिन क्या कहेंगे आप? तिवारी परिवार और रामपाल परिवार की तरह ये जो वड़ा पाव वितरण का कार्यक्रम हुआ है, देखने में बहुत ही आनंद आता है। यहाँ पे जिस तरीके से वड़ा पाव का वितरण किया जाता है, साथ ही अन्य स्नैक्स भी दिए जाते हैं, जिससे पंडाल के लोग और जो गणेश विसर्जन के लिए जा रहे हैं उनकी थकान को कुछ हद तक दूर किया जाता है, ये देकर उनमें एक उत्साह भराया जाता है ताकि हर साल वो हमारे पंडाल में इस तरीके से आएँ और मुफ्त वड़ा पाव का लाभ उठाएँ। और गणपति विसर्जन के मौके पर यही कहना चाहती हूँ कि बप्पा जा रहे हैं, दुख तो बहुत हो रहा है, लेकिन ये एक संस्कृति है जो हम अपने छोटे बच्चों को, हमारे परिवार को, आने वाली जनरेशन को देना चाहते हैं कि बप्पा आएंगे और बप्पा जाएंगे, इस समय हमें खुश रहना है और आने वाले जीवन में कोई आएगा कोई जाएगा, लेकिन हमें ऐसे ही खुश और उत्साहित रहना है। गणपति बप्पा मोरिया। आपकी दुकान जुड़ने देंगे।